करके जो विराजमान है और जगत की सृष्टि करने वाला जो स्वरूप है, वो दोनों स्वरूप श्री बलदेव के भीतर ही समाहित है, श्री कृष्ण के भीतर ही समाहित है, परंतु वे ही श्री नित्यानंद तत्व जब पूर्ण लीला में पधारते हैं श्री नित्यानंद, उस समय चार व्यूह प्रकट हो जाते हैं। व्रज में चार व्यूह प्रकट नहीं है, व्रज में केवल दो व्यूह ही प्रकट हैं, श्री कृष्ण और बलदेव दो रूप में ही विराजमान हैं। परंतु जब श्री कृष्ण बलदेव दोनों मथुरा पधारते हैं और मथुरा के बाद में द्वारका पधारते हैं, उस समय चारों लीला व्यूह प्रकट रूप में विराजमान होते हैं। यहां पर ब्रज में दो व्यूह प्रकट, दो व्यूह उनके भीतर ही समाये हुए हैं। कृष्ण बलदेव ये दो तो लीला कर रहे हैं, परंतु असुर वध करना है तो वो श्री विष्णु करते रहेंगे, वे असुर वध करना है तो क्षीरोदशाही करते रहेंगे। यदि कहीं जगत का संरक्षण और साक्षी रूप में विराजमान होना है, प्रकृति के साक्षी और प्रकृति का नियंत्रण करते हुए विराजमान होना है, तो वहां पर भी श्री संकर्षण बलराम सेवा करने के लिए विभिन्न स्वरूप धारण करके लीला में शंकर सेवा स्वरूप बन करके श्री बलराम विराजमान हो जाएंगे। तो कृष्ण और संकर्षण ये दो स्वरूप तो विराजमान है, और साथ के साथ में प्रद्युम्न रूप में अनंत सृष्टि को प्रकट करना और अनिरुद्ध रूप में सबके भीतर साक्षी रूप में विराजमान होना, ये उनके भीतर ही गुण विराजमान है, अभी वे गुण सामने प्रकट नहीं है। कभी कभी किसी अधिकारी के सामने वो गुण सामने प्रकट कर देंगे, जैसे ब्रह्मा जी के सामने स्तुति करते समय श्री अनंत गर्भोदशायी जिनसे ब्रह्मा का जन्म हुआ उनको आपने दिखा दिया, और ब्रह्मा कहने लगे कि नारायणस्त्वम नहि सर्वदेहिनाम, क्या आप नारायण नहीं हो, जो जन्म में शयन करता है उसी का नाम नारायण नारायण थोड़ी है, मारे मेरे अपराध को आप क्षमा करेंगे। ठाकुर ने डांट दिया, बोले तेरी जो मैया हो उससे कहना, बोले आप ही तो मेरी मैया हो, ऐसा थोड़ी है कि आप मेरी मैया नहीं हो। उस क्षेत्रम गर्भगत मातु, ब्रह्मा जी के वचन है कि जैसे गर्भ में बालक कहीं लात चलाता है या माँ की गोदी में जन्म लेने के बाद में लात चलाए, गर्भ में है तो गर्भ में भी लात चला रहा है, परंतु माँ उसका बुरा नहीं मानती है, ऐसे मेरे द्वारा आपका अपराध किया गया तो आप बुरा नहीं मानेंगे। ठाकुर जी ने डांट दिया, बोले तेरी जो मैया है उससे जाके कहना, मुझसे क्यों कह रहा है ये, मैं तेरी मैया हूं क्या, बोले नहीं महाराज आप ही मैया है, मेरी माँ आप ही है, क्योंकि जिनसे मेरा जन्म हुआ वे गर्भोदशायी आपसे भिन्न नहीं है, गर्भोदशायी आपके ही अंश होकर के विराजमान। तो कहीं कहीं वो ब्रह्मा ने देखा भी कि सत्य ज्ञानानंद मातृक रसमूर्ते अस्पृष्ट भूल महात्मा अपनी उपनिषद दिशाम, उन संकर्षण स्वरूप का, उन प्रद्युम्न स्वरूप का दर्शन भी कर लिया, शास्त्र शीशा भगवान का ब्रह्मा ने कहीं दर्शन भी कर लिया। तो कभी कभी वो स्वरूप जो छुपा हुआ था वह सामने प्रकट हो जाता है, कभी कभी प्रकट कर लेते हैं। परंतु ब्रज में जो लीला व्यूह है, वो लीला व्यूह में दो स्वरूप तो प्रकट हैं, दो स्वरूप प्रकट नहीं है। परंतु जब द्वारका में जाते हैं तो द्वारका में जाने पर चारों स्वरूप प्रकट हो जाते हैं। कृष्ण का तदेक आत्म रूप श्री क्षत्रिय देवकी नंदन वासुदेव कृष्ण स्वरूप प्रकट हो जाता है। श्री बलराम उनका जो क्षत्रिय अभिमानी स्वरूप है, अर्थात वैभव विलास स्वरूप, ब्रज में प्रभाव विलास, परंतु मथुरा में जो वैभव विलास स्वरूप है वो वैभव विलास स्वरूप क्षत्रिय अभिमान प्रकट हो जाता है। इसी प्रकार श्री कृष्ण का भी आपका
तदेकात्म विलास स्वरूप मथुरा वैभव स्वरूप मथुरा विलास नहीं वैभव तदेकात्म वैभव स्वरूप मथुरा में भी आपका प्रकट हो जाता है। जब श्री द्वारका में कृष्ण द्विज रूप में विराजमान है तो द्विज रूप में तो वे तदेकात्म रूप होकर के विराजमान है, परंतु कभी कभी द्विज से चार भुजा भी शाल्व वध के समय जरासंध से युद्ध के समय चार भुजाएं धारण कर लेते हैं, वो कृष्ण का वैभव स्वरूप है। तो नंदनंदन कृष्ण स्वरूप कृष्ण का स्वयं स्वरूप है। द्वारका मथुरा में जब गए वहां पर द्विज नाराकृत लीला का जो स्वरूप है दो भुजा वाला स्वरूप वह उनका ही तदेकात्म रूप हुआ, परंतु तदेकात्म रूप में कभी कभी चार भुजाएं जब प्रकट हो जाए तो वही श्री कृष्ण का वैभव स्वरूप हो गया। जैसे शाल्ववध के समय युद्ध करते समय जरासंध से युद्ध करते समय और कभी कभी श्री द्वारका के महल में भी चार भुजा का स्वरूप प्रकट हो जाए। रुक्मणी जी के साथ में प्रयास कर रहे हैं और प्रयास करते करते रुक्मणी जी मूर्छित होकर के जैसे ही गिरना चाह रही है सोई ताम उत्थाप्य चतुर्भुजा दो भुजा और जल्दी से पैदा हो गई और श्री रुक्मणी जी को आपने दो भुजाओं से गिरती हुई रुक्मणी जी को संभाला, एक भुजा से उनका अंचल ठीक किया, एक भुजा को चुबुक के ऊपर लगा करके चुबुक उन्नयन करते हुए हंसते हुए कह रहे हैं बोले प्रिय मैं तो तुम्हारे साथ में हंसी कर रहा था, आप व्याकुल मत हो व्याकुल मत। तो कभी कभी चार भुजा का स्वरूप जो प्रकट हो जाए तो वो श्री कृष्ण का वैभव स्वरूप है, ये कृष्ण की बात हुई। फिर से दोहरा दे ब्रज में नंदनंदन कृष्ण स्वयं स्वरूप, स्वयं स्वरूप का मतलब है अनन्यापेक्षित रूपम स्वयं रूपम तदुच्यते। वे ही कृष्ण जब मथुरा गए और मथुरा में कहीं देवकी नंदन अभिमान देवकी नंदन वासुदेव अभिमान उन्होंने धारण कर लिया या दिखाया, धारण नहीं किया तो दिखाया भी, तो ऐसा दिखावा करते समय श्री कृष्ण तदेक आत्म रूप हुए और श्री कृष्ण का वो प्राभव प्रकाश हुआ। प्राभव प्रकाश कहलाया, रास में भी प्राभव प्रकाश और श्री मथुरा में भी आपका प्राभव प्रकाश हुआ। रास में जैसे जितनी गोपी हैं उतनी गोपियों के साथ में उतने ही स्वरूप धारण करके रास मंडल में नृत्य कर रहे हैं तो वो हो गया प्राभव प्रकाश। ऐसे ही मथुरा द्वारका में 16,100 महलों में अलग अलग कृष्ण विराजमान हैं और जिस महल में विराजमान हैं कृष्ण का उसी महल में अभिमान है। रुक्मणी जी के महलों में रुक्मणी वल्लभ, सत्यभामा के महलों में सत्यभामा वल्लभ, जाम्बवती जी के महलों में जाम्बवती वल्लभ, मित्रवृंदा जी के महलों में मित्रवृंदा वल्लभ होकर के वे विराजमान हैं, सारे महलों में अलग अलग। तो उस स्वरूप को हम कहेंगे श्री कृष्ण का प्राभव प्रकाश, परंतु प्राभव प्रकाश में कभी दो की जगह चार भुजाएं प्रकट हो जाएं तो उसी का नाम है वैभव प्रकाश, वैभव प्रकाश। तो स्वयं स्वरूप प्राभव प्रकाश और वैभव प्रकाश, यशोदा जी की गोदी में जिस समय क्रीड़ा कर रहे हैं निकुंज मंदिर में क्रीड़ा कर रहे हैं वो है स्वयं स्वरूप, जब रास में अनेक रूप धारण करके अपने कुछ ऐश्वर्य को प्रकट कर रहे हैं तो वो हो गया वैभव प्रकाश, हरे कृष्ण प्राभव प्रकाश, वो हो गया प्राभव प्रकाश। जब द्वारका में गए तो द्वारका में जाकर के श्री कृष्ण का वही प्राभव प्रकाश ही द्वारका में हुआ, परंतु चार भुजाएं जब प्रकट हो गई तो उनका नाम हो गया वैभव प्रकाश। कृष्ण की बात पूरी हुई, स्वयं स्वरूप प्राभव प्रकाश और वैभव प्रकाश। अब बलदेव जी की बात कर रहे हैं, श्री बलदेव ब्रज में कृष्ण से अभिन्न स्वरूप होकर के विराजमान,
इसलिए ब्रज में नंद नंदन गोप अभिमानी जो बलदेव हैं, उन बलदेव का स्वरूप है प्राभव विलास। कृष्ण से तो अभिन्न है परंतु विलास है, क्योंकि रूप में वेश में थोड़ा सा अंतर है। वे प्राभव विलास रूप ही श्री बलदेव जिस समय मथुरा द्वारका में गए तो मथुरा द्वारका में जाकर के उनका स्वरूप हो जाएगा वैभव विलास, क्योंकि क्षत्रिय अभिमान हो गया वहां पर, गोप अभिमान नहीं रहा बलदेव का, क्षत्रिय अभिमान हो गया, इसलिए वैभव वैभव विलास रूप होकर के मथुरा द्वारका में वे विराजमान हुए। वे ही श्री बलदेव कहीं जब अपने पूरे स्वरूप को प्रकट करते हुए विराजमान, तो ब्रज में ये चतुर्व्यूह लीला व्यूह रूप में विराजमान रहा, द्वारका में यह रूप प्रकट हो गया। ब्रज में केवल दो थे, द्वारका में प्रद्युम्न और अनुरुद्ध, इनका भी जन्म हो गया और चारों व्यूह प्रकट हुए। ब्रज में दो व्यूह प्रकट, दो व्यूह कभी कभी प्रकट हुए, परंतु द्वारका में ये चारों व्यूह साक्षात रूप से प्रकट होकर के विराजमान हुए, इसलिए उसका नाम हुआ लीला व्यूह। अब ये ही चारों व्यूह जब आप वैकुंठ धाम में जाकर के परम व्योम वैकुंठ में विराजमान हुए, तो बीच में तो मुख्य सिंहासन के ऊपर तो विराजमान है परम व्योम नारायण महालक्ष्मीपति, परम व्योम वैकुंठाधिपति महावैकुंठ के अधिपति श्री नारायण विराजमान है। कृष्ण के वे तदेकात्म रूप हो गए, कृष्ण तो हो गए नारायण। अब वैकुंठ की जो संपत्ति है उस संपत्ति के रक्षक देवता होकर के वहां पर चार स्वरूप विराजमान है, श्री मध्य में तो नारायण और चारों दिशाओं में व्यूह विराजमान है वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनुरुद्ध। इनमें वासुदेव तो है श्री वैकुंठ विभूति के रक्षक और संकर्षण प्रद्युम्न अनुरुद्ध ये अन्य अन्य जितनी भी विभूति हैं उनके रक्षक होकर के विराजमान हुए। और वहां पर श्री परकर देवता होकर नारायण के श्री वैकुंठ में वे श्री नित्यानंद वे श्री बलराम दूसरे व्यूह के रूप में विराजमान, उस व्यूह का नाम हुआ ऐश्वर्य व्यूह। ये ऐश्वर्य व्यूह ही फिर त्योहारक प्रकट हुआ, तीसरी बार प्रकट हुआ। एक बार लीला व्यूह में प्रकट लीला में अप्रकट लीला में श्री द्वारका में प्रकट हुआ, ब्रज में प्रकट हुआ, ब्रज में दो द्वारका में चार, श्री वैकुंठ में यही ऐश्वर्य स्वरूप होकर के प्रकट हुआ और ऐश्वर्य स्वरूप में श्री नारायण के परकर देवता के रूप में वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनुरुद्ध होकर के श्री वैकुंठ नाथ के उस महा वैकुंठ सभा में ये भी व्यूह विराजमान है और पूजित हो रहे हैं ऐश्वर्य परकर के द्वारा। ये द्वितीय जो ऐश्वर्य व्यूह था इसने फिर तीसरा एक अपना इंकार्नेशन अपना एक अवतार और धारण किया, अपना मैनिफेस्टेशन किया, अपने आप को प्रकट किया, वो है सृष्टि व्यूह। सृष्टि व्यूह होकर के वे वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनुरुद्ध, इनमें वासुदेव के द्वारा तो सारे अनंत कोट जो वैकुंठ हैं वे सब प्रकट हुए, कहीं मत्स्य वैकुंठ है, कहीं कुंभ वैकुंठ है, नृसिंह वैकुंठ है, जितने भी अवतार उन सबों के वैकुंठ प्रकट हुए। तो श्री वासुदेव तो अनंत कोट चिन्मय वैकुंठ संपत्ति उसके अधिष्ठात्री हुए, और जो त्रिगुणात्मिका माया उस माया का ईक्षण करने वाला स्वरूप उनका एक और हुआ, माया का ईक्षण करने वाला जो स्वरूप है वो स्वरूप हुआ उनका संकर्षण। तो संकर्षण रूप में कारण समुद्र या कारणोदक में
तारणोद में उन्होंने शयन किया और शयन करते समय जब विराजमान हैं तो उनकी तीन शक्तियां सर्वदा सर्वदा एक्टिवेट हैं, क्रियाशील हैं। तीन शक्तियां क्रियाशील हैं, काल, कर्म और स्वभाव। ये तीन शक्ति भगवान की सदा विराजमान है, अनंत शक्ति है, तीन शक्ति विराजमान है। इनमें काल शक्ति का सीधा सीधा संबंध है श्री संकर्षण से, भगवान से, ईश्वर से। जो कर्म शक्ति है उसका सीधा सीधा संबंध है जीव शक्ति से, जीव भी नित्य है, ईश्वर भी नित्य है, जीव भी नित्य है। तो काल कर्म स्वभाव, इसका सीधा सीधा संबंध प्रकृति से है। माया में भी स्वभाव नाम करके बुद्धि का जो एक तत्व है वो माया के साथ में बड़ा हुआ बना हुआ है। इस तरह से काल कर्म स्वभाव इन तीनों से युक्त होकर के भगवान सर्वदा सर्वदा विराजमान। उनकी काल शक्ति ने माया देवी जो है, उस माया देवी में कहीं सृष्टि का समय जान करके, काल तो कभी सोएगा नहीं, काल तो अप्रमत्त है, सदा जागता रहेगा। तो काल शक्ति ने माया शक्ति में जब सृष्टि का समय आया, उस समय सृष्टि का समय आने पर काल शक्ति ने माया शक्ति में रजोगुण की वृद्धि की और ऐसी रजोधर्मणी माया देवी नायक स्वरूप श्री संकर्षण भगवान के सामने उपस्थित हुई। जैसे उपस्थित हुई, जीवों के जो कर्म थे उन कर्मों के फल को भुगवाने के लिए श्री प्रभु ने उन माया देवी की ओर केवल ईक्षण किया, देखा, माया को छुआ नहीं, केवल आंख से माया देवी की ओर दृष्टि डाल दी संकर्षण भगवान ने। जैसे ही माया देवी की ओर दृष्टि डाली, मानो दृष्टि डाल करके उन्होंने बीज रूप जो जीव तत्व थे उन जीव तत्व को, चेतन तत्व को माया देवी को समर्पित कर दिया। माया देवी भगवत कृपा रूप उस जीव बीज को प्राप्त करके कृतकृत्य हुई और कृतकृत्य होकर के माया देवी उसमें अब प्रथम विकार उत्पन्न हुआ और प्रथम विकार उत्पन्न होने पर माया देवी से सबसे पहले महत्त्व का जन्म हुआ। महत् का तात्पर्य है कि वह पदार्थ जिसमें सारे के सारे गुण सृष्टि के वे सब विराजमान है, इसीलिए उसका नाम महत् है। महत् माने महान, विशाल, परंतु वे गुण अभी प्रकट नहीं हुए। वे गुण सारे के सारे उस तत्व में, महत्त्व में विराजमान है, परंतु वे गुण अभी प्रकट नहीं हुए हैं। एक दृष्टांत के लिए बात, इसी दृष्टांत के द्वारा बात को प्रस्तुत की गई। जैसे जब माया देवी के साथ में वो महत्त्व हुआ, वो महत्त्व केवल सारे गुण तो उसमें है परंतु गुण प्रकट नहीं है। जैसे पुरुष और प्रकृति इनका कहीं संपर्क होने पर जब फ्यूजन हुआ तो फ्यूजन होने के बाद में जो शुक्र अणु थे वे अंडे के साथ में जब मिले तो मिलने के बाद में उनमें से दो अंकुर उत्पन्न हुए। अब वो दो अंकुर जैसे मिले, कोई यहां मिला, कोई यहां मिला, कोई यहां मिला, कोई यहां मिला, कोई पीछे मिला, कोई आगे मिला, इसी तरह से एक पिता एक माता उनके द्वारा ही उत्पन्न होने वाले समय समय पर जितनी भी संतान है उन संतानों में भी फ्यूजन होने के बाद में, माता के गर्भ में फ्यूजन होने के बाद में जैसे
जो जो दो अंकुर उत्पन्न हुए वे जहां मिलेंगे उनमें सगे भाइयों में भी एक शक्ल नहीं मिलेगी, उनमें भी भंग भेद हो जाएगा किसी में कुछ, क्योंकि जैसे दो डाली हैं और वो मिल रही हैं, तो कोई यहां मिल सकती है, कोई यहां मिल सकती है, कोई आगे मिल सकती है, जहां मिलेगी तो एक ही गर्भ से उत्पन्न, एक ही प्रकार से उत्पन्न जो दो वस्तु हैं उनमें सारे गुण यों की तो विद्यमान है। और जब फ्यूजन होने के बाद में वो पदार्थ मिला, वो पदार्थ उत्पन्न हुआ, मिलने के बाद में फिर वहां से शाखा बदलेगी। अब उस स्वरूप में सारे के सारे वे गुण विद्यमान हैं जो आगे उस बालक में प्रकट होंगे, कि बालक काले रंग का होगा, कि गोरे रंग का होगा, कि इसकी नाक चपटी होगी, कि इसकी आंख बड़ी होंगी, कि गुट्टा होगा, कितना बुद्धिमान होगा, कितना बुद्धिमान नहीं होगा, ये सारे गुण जैसे उस बालक में गर्भ में ही सारे के सारे गुण विद्यमान हैं, अभी प्रकट नहीं हुए हैं, कितना बुद्धिमान होगा ये सब पहले से ही, जैसे फ्यूजन हुआ फ्यूजन के साथ ही साथ में, और वो जो दो शाखाएं थी वो दो शाखाएं जैसे मिली उसके साथ साथ बालक में सारे के सारे गुण उस गर्भ में पहले से ही स्थित हैं, अभी प्रकट नहीं हुए। जब बड़ा होगा तब उसमें सुंदरता, बल, बुद्धिमत्ता, गुण, कलात्मकता, किसकी किसमें रुचि होगी, ये सारे के सारे गुण जैसे जीन्स के जो गुण हैं वे बाद में उसमें प्रकट होंगे, ऐसे ही महत्त्व, ये महत्त्व की व्याख्या करने के लिए थोड़ा सा एक दृष्टांत मात्र दे रहे थे। महत्त्व प्रकृति का वह प्रथम प्रकाशन है, भगवान की कृपा को प्राप्त करके प्रकृति का वह प्रथम प्रकाशन है जिसमें सारे के सारे 23 तत्व भीतर छिपे हुए हैं, 22 तत्व छिपे हुए हैं, 23 तत्व स्वयं महत्त्व हैं, वे सारे के सारे गुण जिसके भीतर छिपे हुए हैं, वे सारे के सारे गुण अर्थात उसमें अहंकार भी है, उसमें पांच कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, प्राण, शब्द स्पर्श रूप रसगंध तन्मात्राएं, मन, ये सारे के सारे जो सृष्टि के जितने भी तत्व हैं वे सब तत्व उसी तरह से छिपे हुए हैं जैसे फ्यूजन होने के बाद में गर्भ जो कलल रूप में बना उस कलल गर्भ में सारे के सारे वे गुण विद्यमान हैं जो आगे उस गर्भ से प्रकट होंगे, सामने प्रकट होंगे, इसीलिए उसका नाम महत् कह दिया। परंतु उसमें प्रधानता उसको एक शब्द में कहेंगे तो महत् तत्व को हम बुद्धि कह देंगे, उसको सामान्यतः कह दिया गया बुद्धि। तो सृष्टि का समय जान करके भगवान की अप्रमत्त काल शक्ति ने अपने साथ में कर्म और स्वभाव इनको लेकर के जब प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न किया तो जीवों के कर्म के फल को भुगवाने के लिए और प्रकृति के जो गुण हैं, किस कोई सत्वगुणात्मक है, कोई रजोगुणात्मक, कोई तमोगुणात्मक, किसी में जड़ता की प्रधानता है, किसी में चंचलता की प्रधानता है, किसी में ज्ञान की प्रधानता है, वे स्वभाव देवताओं का स्वभाव एक, मनुष्य का एक, दैत्यों का स्वभाव एक, सर्प बिच्छू सिंह इनका स्वभाव एक, तो जो तमोगुणात्मक जाति हैं उनके स्वभाव उनको लेकर के, सत्वगुण के स्वभाव या रजोगुण जीव के स्वभाव को लेकर के, तो उन वस्तुओं को काल ने माया देवी में सबसे पहले क्षोभ उत्पन्न किया और माया देवी के द्वारा जैसे ही भगवान ने माया देवी में जीव रूपी पदार्थ को स्थापित किया, जीव संपर्क को प्राप्त करते ही माया देवी के द्वारा सबसे पहले माया देवी में महत् तत्व का जन्म हुआ। फ्यूजन होने के बाद में जैसे वो एक कलल बना, वो कलल के रूप में महत्त्व, उस महत्त्व का जन्म हुआ, उस महत्त्व का ही आगे विकास होते हुए महत्त्व से अहंकार उत्पन्न हुआ। अहंकार तीन प्रकार का,
एक अहंकार है सात्विक, दूसरा है राजस, तीसरा है तामस। सात्विक अहंकार से दो वस्तुएं उत्पन्न हुई, एक तो मन, मन देवता है, मन को वो सबसे बड़ा देवता कहा गया, और तन्मे मन शिव संकल्प मस्तु, ये मन देव होकर के विराजमान है, ये मन शिव संकल्प होकर के हमारा विराजमान हो, और ऋग्वेद का देवता ये वेद जो यजुर्वेद अथर्ववेद का देवता है वो मथर मन की प्रार्थना करते हुए विराजमान होता है कि यो जो जागृत होकर के दूर मुपैती दूर जाता है, ऐसा मेरा मन शिव संकल्प होकर के विराजमान हो। तो सबसे पहले तो सात्विक अहंकार से मन उत्पन्न हुआ, फिर सात्विक अहंकार से ही जितनी भी देवता हैं, 11 देवता या 14 देवता वे उत्पन्न हुए, 5 ज्ञानेंद्रियों के देवता, 5 कर्मेंद्रियों के देवता और मन बुद्धि चित्त और अहंकार, इनके 4 देवता, ऐसे कुल 14 देवता ये सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए। तो सात्विक अहंकार के द्वारा मन और 14 देवता इंद्रियों के अधिष्ठात्री वे उत्पन्न हुए। जो राजस अहंकार था, उस राजस अहंकार से 10 इंद्रियां उत्पन्न हुई, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां। जो ज्ञान इंद्रिय हैं वे कहीं विषय उनको ग्रहण करेंगे और कर्मेंद्रियां उन विषयों का त्याग करती हुई विराजमान होंगी। जैसे शब्द, तो कर्मेंद्रिय जो जिह्वा है वह तो शब्द को फेंकेगी, और कान रूपी जो ज्ञानेंद्रिय है वह शब्द को ग्रहण करेगी। तो पंच तन्मात्रा ही 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय इनके रूप में प्रकट होती है। जो ग्रहण शब्द रूपी तन्मात्रा को ग्रहण करने वाली इंद्रिय है पकड़ेगी, उसका नाम है कान। जो शब्द को फेंके त्याग करे उसका नाम है वाक। वाक हो गई कर्मेंद्रिय, कान हो गए ज्ञानेंद्रिय। अब त्वचा, तो त्वग इंद्रिय ग्रहण करेगी स्पर्श को, और हाथ रूपी जो इंद्रिय है वो स्पर्श का त्याग करेगी। हाथ के द्वारा किसी चीज को छोड़ा जाएगा, तो स्पर्श रूपी इंद्रिय का त्याग करने वाली जो इंद्रिय है वो हो गई हाथ, शब्द स्पर्श। अब रूप, नेत्र रूपी जो इंद्रिय है वह रूप को ग्रहण करेगी, और चरण रूपी जो इंद्रिय है वह रूप का त्याग करेगी। चल करके कहीं दूर चले जाएंगे तो रूप दिखना बंद हो जाएगा दूरी के साथ, शब्द स्पर्श रूप। रस, जिह्वा रूपी जो रसना रूपी इंद्रिय है वो ज्ञान इंद्रिय है, वह रस को ग्रहण करेगी, और उपस्थ रूपी इंद्रिय उस रस का त्याग करेगी। शब्द स्पर्श रूप रस। ऐसे गंध, नासिका रूपी जो इंद्रिय है वह गंध को ग्रहण करेगी, और पायु रूपी जो इंद्रिय है वह दुर्गंध का त्याग करेगी। इस प्रकार शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 जो तन्मात्राएं हैं वे 5 तन्मात्राएं ही कहीं ग्राहक होकर के और कहीं त्याग करने वाली बन करके 2 रूपों में 5 तन्मात्राएं ही 10 रूपों में परिवर्तित हुई। जहां ग्रहण कर रही हैं वहां वे 5 ज्ञानेंद्रियां हो गई, जहां वे त्याग कर रही हैं वहां वे 5 कर्मेंद्रियां हो गई। इस प्रकार जो पंच तन्मात्राएं हैं वे पंच तन्मात्राएं ही 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रियों के रूप में परिणत हो जाएंगे। ये रजोगुण की राजस जो अहंकार है उस राजस अहंकार का ये निरूपण हुआ। अब तामस अहंकार, तामस अहंकार से
पंच तन्मात्राएं उत्पन्न हुई और तामस अहंकार से फिर विषय रूप में पंचभूत उत्पन्न हुए, जो विषय है उन विषय रूप पंचभूत उनका जन्म हुआ। जैसे शब्द के द्वारा, नेत्र के द्वारा रूप को ग्रहण किया गया, त्वक के द्वारा, त्वचा के द्वारा कहीं वस्तु को कहीं ग्रहण किया गया, तो पृथ्वी जल वायु तेज आकाश, तो शब्द गुण जो है उसके द्वारा आकाश रूपी पंचभूत उत्पन्न हुआ। त्वचा के द्वारा जो स्पर्श है, स्पर्श तन्मात्रा, त्वचा नहीं, स्पर्श तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा के द्वारा वायु रूपी भूत उत्पन्न हुआ। रूप के द्वारा तेज रूपी जो अग्नि, अग्नि है, वो अग्नि का जन्म हुआ। तो रूप तन्मात्रा के द्वारा अग्नि का जन्म हुआ। जो रस है उसके द्वारा जल तन्मात्रा का जन्म हुआ और गंध नाम करके जो तन्मात्रा है उसके द्वारा पृथ्वी नामक पंच महाभूत का जन्म हुआ। इस प्रकार तामस अहंकार के द्वारा पंचभूत उत्पन्न हुए और ये सब के सब उत्पन्न होकर के सब चीज तैयार हो गई, पर तैयार होने पर भी अभी कोई काम नहीं हुआ, किसी काम के नहीं है। बस भंडार से, बाजार से खरीद करके सब सामान जार में भर करके किचन में सजा करके रख दिया, पर तो अभी काम नहीं करेंगे, सब मिलेंगे कब? बोले जब इनमें पानी का संपर्क भोजन होगा तब आटे में नमक भी डाला जाएगा, जीरा भी डाला जाएगा, हींग भी डाली जाएगी, सारी चीजें डाली जाएंगी, मसाला डाला जाएगा, तब जाकर के वे सारी चीजें मिलेंगी। और अग्नि का संपर्क होगा तब जाकर के वे बाप आपस में मिलकर के एक होंगी। ऐसे ही सारी पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत, दस इंद्रियां, बुद्धि, जितने भी देवता, वे सब बन गए, परंतु वे मिलकर के काम कर सकने में समर्थ नहीं हुए। किचन में जार में भर के सारी चीजें रखी हुई हैं, नमक मिर्च मसाला गरम मसाला सब तैयार है, चीनी घी, परंतु मिलेंगे नहीं। मिलाने के लिए इनमें पानी की जरूरत है, मिलाने के लिए अग्नि की जरूरत है। तब श्री शंकर भगवान ने ही इन सारे 23 तत्वों को मिला करके, मिलाने के लिए कृपा की, और जब कृपा रूपी पानी डाला तब आटा, नमक, मिर्च,